हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज का वीडियो कुछ खास है, थोड़ा हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मुझे जो भी नॉलेज है। अब कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी कुछ आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ आपसे जो कि अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि जो कर्फ्यू लगने वाला है 22 को, जनता कर्फ्यू, उसके बारे में थोड़ा क्यों हो रहा है, वो उसका क्या रीज़न है, उससे क्या फ़ायदा होगा। ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है टुवर्ड्स कोरोना वायरस, उसको रोकने के लिए। अभी हम स्टेज 3 पे नहीं आए हैं, ये कुछ स्टेजेस हैं हर एक स्प्रेड की, उसको अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ, फिलहाल इंडिया में जो केसेस हैं और जो जितना फैला हुआ है ये कोरोना वायरस, अभी स्टेज 2 पर है। तो स्टेज 3 में कम्युनिटी स्प्रेड होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? कम्युनिटी स्प्रेड वो है कि जब इंडियन से इंडियन को होने लगेगा, मतलब बाहर का। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, 80-90% जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं कन्फर्म्ड, वो केसेस हैं जिनमें बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। तो मतलब 80-90% केसेस में अभी फ़िलहाल वही केसेस हैं जो बाहर से आए हैं लोग, और फिर उनसे कुछ लोग उनके कॉन्टैक्ट में उनके रिश्तेदार आए तो वो भी इन्फेक्ट हो गए। तो वो अभी फ़िलहाल चल रहा है फिलहाल। तो ये स्टेज 2 है। इसके बाद आता है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड क्या है? ये इतना फैल जाएगा कि अभी 100-150 केसेस हैं तो 10,000, फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब 10 का 20, 30 का 40 लाख, 10 लाख, इस तरह जो इटली और चाइना में हो गया। उस केस में क्या होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री गई बाहर में, इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि इंडियन टू इंडियन, मतलब एक बंदा जो बाहर नहीं भी गया उसको भी हो रहा है, उससे तीसरे को हो रहा है। तो वो है स्टेज 3। तो प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया है, अभी जो ये अनाउंसमेंट निकाला है स्टेज 3 का, से बचने के लिए निकाला है। तो अगर आप 22 को 14 घंटे तक कहीं नहीं जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज होने हो सकता है इस स्प्रेड को ब्रेक करने में और स्टेज 3 को ना लाने में। वो कैसे कि ये जो वायरस है, पहले आपको बता दूं, क्योंकि इस डिटेल इसमें मैं सारा टू द पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सब इन्फॉर्मेशन आपको मिले। वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो कि आप कह सकते हैं जीवाणु है, जो कि वैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ही चीज़ें यूज़ करके, हमारी एनर्जी यूज़ करके, हमारे ही सेल्स यूज़ करके, हमारे ही माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, सिंपल भाषा बता रहा हूँ, हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ करके हम पर ही हावी होता है और इन्फेक्शन करता है। और इसका एक लाइफ टाइम रहता है कि इस पीरियड तक ये इन्फेक्शन कर सकता है, उसके बाद ये डेड है। तो वो कोरोना वायरस का मोस्टली 12 घंटे बताया गया है कि मतलब किसी ने को कोरोना वायरस है, उसने छींक मारी, उसमें से ड्रॉपलेट्स में से वायरस बाहर निकला और जहाँ वो गिरा है वो 12 घंटे तक इन्फेक्शन कर सकता है। यानी अगर टेबल पे गिरा है, मैंने टेबल को टच किया और फिर टेबल को टच किया और फिर मैंने अपने मुंह पे वो लगा लिया और अंदर चला गया तो इन्फेक्शन होगी। लेकिन अगर 12 घंटे उसको हो गए तो 12 घंटे के बाद वो नहीं रहेगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो 14 घंटे का एडवांटेज इसलिए लिया जा रहा है कि चेन जो है ये बनी हुई एक से दूसरे को, दूसरे को कोई बाहर से आया वो उसको इन्फेक्ट हो रहा है, तो वो चेन एक बनती जा रही है धीरे धीरे कि जो इन्फेक्टेड है वो कहीं जा रहा है, आगे फिर कर रहा है। तो अगर हम 14 घंटे तक पूरा इंडिया रोक देंगे, जैसे कि पीएम साहब ने बोला कि 22 मार्च को 7 से 9 बजे तक 14 घंटे ऑलमोस्ट हो जाते हैं, उसमें आपने घर में रहना है, बाहर नहीं जाना, तो उस केस में जिनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, 150 जो भी जितने भी लोग हैं या जो कैरियर हैं इस चीज़ के, तो वो रुक जाएंगे उस 14 घंटे में, अंदर रहेंगे अगर वो मानेंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रेड हो रहा है वो चेन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि 14 घंटे उसके लाइफ टाइम से ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात? तो 14 घंटे का ये एडवांटेज है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, टेक्निकली ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो प्लीज़ घर में रहें 7 बजे से लेके 9 बजे तक रात के। तो इससे एडवांटेज यही होने वाला है, जो ये चेन बनती जा रही है धीरे धीरे, ये चेन अगर सक्सेसफुल हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, फिर ज़बरदस्ती हमें लॉक किया जाएगा आपके घरों में। अभी पीएम साहब ने अपने आप वॉलंटरली बोला है कि खुद अपने घर में रहें और इस चेन को ब्रेक करें। अगर आपने इस चेन को ब्रेक करने में हेल्प की इस एक्ट से, वो चेन की मतलब रुक सकती है। जैसे बहुत सारी आंधी आ रही है और बहुत सारा फ्लो आ रहा है पानी का, सपोज उसमें आगे आपने कुछ
इतना बड़ा बट्टा लगा दिया या कुछ दरवाजा से रोक लिया थोड़ी देर के लिए, तो राहत मिल सकती है। हो सकता है वो बहाव दूसरी तरफ चल जाए, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसी तरह से एक कोशिश है, अगर आप 14 घंटे तक रुक जाते हैं, पूरा इंडिया रुकता है, तो डेफिनेटली चेन काफ़ी जगह से ब्रेक हो जाएगी। जो स्प्रेड कॉन्टिन्यूस हो रहा है, स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है, वो डेफिनेटली रुक जाएगा। वही हमने करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को वायरल करें, सबको बताएं टेक्निकली ये क्यों हो रहा है, इसका कुछ रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी सब आपको मालूम है, कैसे इससे डरना नहीं है। आपने टाइम टाइम पे अपने हाथ धोते रहने हैं, सैनिटाइज करते रहना है, कोई खांस रहा है उससे दूरी बना के रखें। यही इसका एडवांटेज है, सॉरी यही इसका तरीका है हैंडल करने का। और ये जो कर्फ्यू रखा जा रहा है, उसकी मेन एम चेन ब्रेक करना है वायरस की, और वो इसलिए हो रहा है ताकि हम स्टेज 3 पे ना पहुँचे। अब नहीं लेके आना है इस वायरस को, इसको हमने भगाना है। ओके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेशन में नीचे कमेंट में रखें। और क्या खाएं पिएं इसमें, कम्युनिटी जो मैंने आपको पहले रिकमेंड किया, ग्लोए की गोली आप खाएं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका बेटर होगा। वैसे कोई अभी इसका इलाज एज सच नहीं है, बस प्रिवेंशन है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये ज़रूर फॉलो करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टैक्स जो मैं यूज़ करता हूँ, और इस तरह के हेल्थ वीडियोस जो बहुत ज़रूरी होते हैं कई बार, वो मैं अपलोड करता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मुझे करने चाहिए। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अभी नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट से ये अलग है, यूजली मैं टैक या ड्रोन पर वीडियो बनाता हूँ, ये कभी कभी आते हैं, लेकिन ये हेल्थ का वीडियो है, ज़रूरी है सबके लिए, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये अपलोड किया है। होप आपको समझ आ गया होगा कि 22 मार्च को कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ये जो मुहिम है वो की जा रही है, उसमें आप ज़रूर घर में रहें और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।